Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge and Medicine. This video is about medication Abatacept. Brand name है जो medication का वो Orencia है. Pharmacologic class selective co-stimulation modulator. Therapeutic class की अगर बात करें तो it belongs to anti-rheumatic, means rheumatoid arthritis एक joint disorder होता है, autoimmune disorder है, उसके against हम इसे use करेंगे. So anti-rheumatic. Pregnancy risk category C. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा ड्रग का? ये जो टी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, बी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो जो एबेटसेप्ट है वो जो टी सेल्स के एक्टिवेशन है उसको इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग CD80 एंड CD86 रिसेप्टर्स. CD28 रिसेप्टर्स के साथ जो इंट्रैक्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं एंड उसकी वजह से जो टी सेल्स हैं वो फुली एक्टिवेट नहीं हो पाते और जो डिजीज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते. जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स जो बॉडी के सेल्फ सेल्स हैं वो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उनको डैमेज करने लगता है. अवेलेबिलिटी, जो मेडिकेशन है वो अवेलेबल किस फॉर्म में होती है? सो इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 125 mg पर ml, प्रीफिल्ड सिरिंजेस होते हैं. नेक्स्ट पाउडर फॉर्म अवेलेबल होते हैं 250 mg पर 15 ml एक सिंगल यूज वायल में. डोजेस, किस किस डोज में हम कैसे कैसे मेडिकेशन को यूज करेंगे? सो फर्स्टली अडल्ट्स जिनका वेट लेस देन 60 kg है एंड वो सफर कर रहे हैं डिजीज से, सो उनके लिए हम यूज करेंगे 500 mg IV इंजेक्शन 30 मिनट्स के इन्फ्यूजन में एंड 0 week पे, 2 week पे एंड 4th week पे एंड देन आफ्टर एवरी 4 weeks हम इसे यूज करेंगे. या फिर एक सेकेंड टाइप है दैट 500 mg IV दें उसके बाद 125 mg सबक्यूटेनियसली दें और 125 mg वंस अ वीक दें. मीन्स या तो 500 mg एवरी 4 weeks दें या 125 mg एवरी 1 week. नेक्स्ट, अगर पेशेंट का वेट 60 to 100 kg है देन 750 mg डोज यूज करेंगे सेम फॉलोअप के साथ 0, 2nd एंड 4th week. नेक्स्ट, वेट अगर मोर देन 100 kg है तो हम जो डोज यूज करेंगे वो 1 g सेम फॉलोअप 0 week, 2 week एंड 4th week. कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिक्यूशंस, हाइपर सेंसिटिविटी है अगर ड्रग की तो हम इसे यूज नहीं करेंगे. प्रिक्यूशंस, अगर पेशेंट को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इन सब में हम प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ मेडिकेशन का यूज करेंगे. अगर TNF एंटागोनिस्ट चल रही है पेशेंट की तो हम उसके कॉम्बिनेशन में एबेटसेप्ट को यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, पेशेंट की एज अगर मोर देन 65 है या प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स में एंड चिल्ड्रंस. एडवर्स इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मेडिकेशन की वजह से? हेडेक डिजीनेस देखने को मिल सकती है, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन कैन बी देयर, नेसोफेरेंजाइटिस हो सकता है, नोसिया, डिस्पेप्सिया, डाइवर्टिकुलाइटिस, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, बैक पेन, एक्सट्रीमिटीज पेन, कफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, व्हीजिंग, ब्रोंकाइटिस, डिस्निया, स्किन रैशेस, फ्लशिंग, अर्टिकेरिया, प्रूराइटिस या फिर पेन इंजेक्शन साइट पे, हर्पेस जिस्टर, मेलेग्नेंसीज, इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जो मेनली क्या होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट अगर है तो इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि जो मेडिकेशन है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है. पेशेंट टीचिंग, पेशेंट अगर ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे डैट इंजेक्शन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में फॉलोअप करना है एंड नीडल्स एंड सिरिंजेस का डिस्पोजेबल प्रॉपर करना है. देन अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स अपियर होते हैं देन रिपोर्ट करना है. इम्यूनाइजेशन को अवॉइड करना है ड्यूरिंग द ड्रग थेरेपी और आफ्टर 3 months ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ ड्रग. फीमेल पेशेंट्स को बताएंगे डैट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में मेडिकेशन है वो रिकमेंडेड नहीं होती है.
एंड साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शंस, उन सब के बारे में पेशेंट्स को बताएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकेशन. एबेटिसैप्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा, डोज किस किस फॉर्म में यूज करते हैं हम, साइड इफेक्ट्स एंड पेशेंट टीचिंग. सो फॉर मोर नॉलेज कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.